हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। लास्ट टू वीडियो से मैं आपको रोटर करंट, रोटर ईएमएफ और रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रही थी। आपको मैंने ये चीज़ भी क्लियर की कि रोटर ईएमएफ और रोटर करंट जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। उसकी फ्रिक्वेंसी को नाम हमने एफआर दिया था और वो एस टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी होती है। एस क्या होता है? तो एस जो होती है वो स्लिप होती है, और ये स्लिप जो होता है वो पर यूनिट वैल्यू ऑफ स्पीड डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड होता है। तो चलिए, रोटर ईएमएफ और रोटर करंट की फ्रिक्वेंसी कैसे वैरी कर रही है, तो मैं दो टाइप के कंपैरिजन आपको करके बता रही हूँ। एक मैं तब का बता रही हूँ जब रोटर स्टैंड स्टिल पर है, मतलब रोटर की स्पीड जीरो है, रोटर ने अभी घूमना शुरू नहीं किया है। और दूसरा, जब रोटर की स्पीड है, एग्जिस्ट कर रही, मतलब स्लिप भी एग्जिस्ट कर रही है। ये चीज़ मैं आपको दो टेबुलर फॉर्म में बता रही हूँ, कंपैरेटिव चार्ट दे रही हूँ कि क्या कैसे, कौन सी क्वांटिटी, कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कैसी होगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं अगर रोटर ईएमएफ की बात करूँ, तो जब रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया है तो उस वक्त रोटर की फ्रिक्वेंसी जो होगी या ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा होगा वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी का ही हो रहा होगा। तो ये ईएमएफ इंड्यूस पर फेज हो रहा है, रोटर थ्री फेज सर्किट है। तो ई टू जीरो हम उस ईएमएफ की बात कर रहे हैं जो रोटर का के कंडक्टर्स में इंड्यूस पर फेज ईएमएफ है। टू फॉर रोटर, वन फॉर स्टेटर होगा, टू फॉर रोटर है। और ओ का मतलब या जीरो का मतलब रोटर की स्पीड जीरो है। तो ई टू जीरो जो है वो ईएमएफ इंड्यूस पर फेज है रोटर थ्री फेज सर्किट में, और इसकी वैल्यू 4.41 FIT। ये वही सेम डेरिवेशन है जो ट्रांसफार्मर के उसमें हमने डिराइव किया था। ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन है, ये उसी तरीके से डेरिवेशन होगा। तो आप मेरा ट्रांसफार्मर के लिए ईएमएफ डेवलप्ड या इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन डिराइव करने का फॉर्मूला जो मैंने डिराइव करके बताया था, वो वीडियो आप मेरा देखिएगा। रोटर बार्स की वजह से जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है, तो पर फेज रेजिस्टेंस जो है रोटर का, वो R20 बोलूं या R2 बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की वजह से रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला। रिएक्टेंस की बात करूं तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में रिएक्टेंस रोटर का पर फेज का X20, टू फॉर रोटर, ओ जीरो फॉर जीरो रोटर स्पीड। रिएक्टेंस पर फेज है ये रोटर का एट स्टैंड स्टिल, और वो कितना है, ओमेगा एल के बराबर होता है। हमें मालूम है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ओम्स वैल्यू वो ओमेगा एल होता है, और ओमेगा की वैल्यू फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अभी फिलहाल स्टैंड स्टिल कंडीशन में 2πf में f सप्लाई फ्रिक्वेंसी होगा, क्योंकि अभी इस वक्त जब रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया तब ईएमएफ और करंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर, और l तो है ही इंडक्टेंस रोटर बार्स का पर फेज का। Z20 टोटल इंपेडेंस, मतलब रेजिस्ट रियल पार्ट और रिएक्टिव पार्ट, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टिव ओम्स, इन दोनों को मिला के जो रोटर का इम्पिडेंस बनेगा पर फेज का, तो रोटर इम्पिडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, तो R20 प्लस JX20 बोलें, या R2 भी बोल सकती हूँ, क्योंकि स्टैंड स्टिल हो या रनिंग कंडीशन और रोटर की कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रेजिस्टेंस पर। अब अगर मैं करंट देखने जाऊँ पर फेज का, तो दिस इज करंट, रोटर करंट पर फेज है ये, और वो कितना होगा, E20 EMF जो इंड्यूस हो रहा है पर फेज का रोटर थ्री फेज सर्किट में, डिवाइडेड बाय Z20 पर फेज का। तो पर फेज का करंट जो होगा वो E20 डिवाइडेड बाय Z20 होगा, और पावर फैक्टर स्टैंड स्टिल कंडीशन का क्या होगा, तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंपेडेंस जो होता है स्टैंड स्टिल कंडीशन में, वो डिविजन करेंगे तो ये पावर फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा, और ये पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन हो जाएगा, और ये स्टैंड स्टिल कंडीशन का, इसलिए मैं फाइव नॉट लिख दे रही हूँ वैसे, या 520 बोल दे रही हूँ। तो ये आपका पावर फैक्टर होगा पर फेज का रोटर सर्किट का अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन, मतलब जब रोटर की स्पीड जीरो है। अब अगर मैं देखूँ कि रोटर रनिंग कंडीशन में है, तो उस केस में NR एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब स्लिप भी एग्जिस्ट कर रही है, और ये स्लिप कितनी होती है, NS माइनस NR अपॉन NS। अभी इसका कोई यूज नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, याद दिला रही हूँ। अब मैं पर फेज का ईएमएफ अंडर रनिंग कंडीशन, तो रोटर है तो 2
स्टेटर होता तो वन, रोटर है तो टू, और आर फॉर रनिंग। ईएमएफ इंड्यूस पर फेज ऑफ द रोटर अंडर रनिंग कंडीशन, मतलब पर फेज रोटर का ईएमएफ है रनिंग कंडीशन में। फिर से हमारा ईएमएफ का बेटा ये 4.44 होगा, मैंने गलती से 4.1 लिख दिया था, 4.44 FR/ΦT होगा ये जो ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन उसी के हिसाब से। अब FR की वैल्यू आप क्या लिखोगे, SF लिखोगे, तो ये रख दिया। अब S को बाहर ले लिया तो 4.44 FΦ ऐसा हो जाएगा। T नंबर ऑफ टर्न्स है, Phi मैक्सिमम फ्लक्स है, F फ्रीक्वेंसी है, SF यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब FR फ्रीक्वेंसी है। तो अब EMF हमारा E2R जो आ रहा है बेटा, पर फेज EMF अंडर रनिंग कंडीशन ऑफ रोटर S टाइम्स ऑफ E20 आ रहा है। आप देखिए ये पूरा E20 है तो S टाइम्स ऑफ E20 आ रहा है। R2 रेजिस्टेंस पर फेज रोटर का अंडर रनिंग या अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन सेम है तो ये R2 ही है। X2R रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, टू फॉर रोटर, आर फॉर रनिंग कंडीशन, तो रिएक्टेंस पर फेज अंडर रनिंग कंडीशन है। अब यहाँ पे मैं ओमेगा एल की जगह ओमेगा आर एल लिखूंगी, आर इज सफिक्स, ओमेगा आर का मतलब 2πfr है, एल एफ आर की जगह फिर से मैं एस एफ लिख दूंगी, तो एस बाहर ले लिया तो 2πfLX20 होता है, मतलब रनिंग कंडीशन का पर फेज का रिएक्टेंस एक्स टाइम्स ऑफ X20 होता है, मतलब एस टाइम्स ऑफ स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज ऑफ द रोटर ऐसा होगा। Z20 ये होगा रोटर इंपेडेंस पर फेज अंडर रनिंग कंडीशन, सेम वही चीज। करंट क्या होगा, रोटर करंट पर फेज अंडर रनिंग कंडीशन। Z2R को मैं R2 प्लस JX20 बोल सकती हूँ, और I2R जो होगा वो E2R अपॉन Z2R हो जाएगा, और E2R तो ठीक है, Z2R हम सब्सटीट्यूट करें। पावर फैक्टर अंडर रनिंग कंडीशन क्या होगा, R2 अपॉन Z2R, Z2R को मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ। इस तरीके से सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज स्टैंड स्टिल कंडीशन में और अंडर रनिंग कंडीशन में रोटर की ऐसे डिफर करती है, और वो डिफरेंस फ्रिक्वेंसी की वजह से ही आता है। फ्रिक्वेंसी पर कौन कौन डिपेंड कर रहा है, EMF, करंट, इंपेडेंस, रिएक्टेंस, ये सारी, और पावर फैक्टर, ये सब डिपेंड कर रहा है। तो हम इन सारी क्वांटिटीज का आगे इंडक्शन मोटर की वर्किंग को समझने में कि कैसे काम करती है वो सारी चीज़ें समझने में मैं इन क्वांटिटीज़ को यूज़ करूँगी, और अलग अलग इंटरवेंशंस अपन निकालेंगे कि किन हालातों में कैसे इसकी वर्किंग हो रही है, या अलग अलग टाइप की इंडक्शन मोटर हम जब बनाते, इसके बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर्स भी बताऊँगी, तो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, और हम इन क्वांटिटीज़ को हैंडल करेंगे वहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन में। तो उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन सिंपल सा पर बहुत ज़रूरी, क्योंकि आगे जितने भी इंटरवेंशंस, स्टार्टिंग टॉर्क, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, उनकी वर्किंग कौन सी बेटर है, किस में क्या एडवांटेज है, किस में क्या डिसएडवांटेज है, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ें समझने में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अभी भले ही ये इम्पोर्टेंट ना लग रहा हो पर आगे बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा के अपने कंसेप्ट्स क्लियर करिए। थैंक यू।